कृष्ण, इस बार ना डार्क कलर लेकर आ जाना, ताकि वो फिर से जूस फेंके ना तो निशान दिखाई नहीं दे। इश्क में तेरे फूलों से खिलने, मोहब्बत के रस में तेरे संग चलने। की शक्ल वाला नोट हमारे सामने आ जाए, ऐसे पानी फेंक देंगे ना, पूरा का पूरा गल ही जाएगा। छोड़ उसे मिश्री, अपनी नई कुर्ती के साथ नए दिन की शुरुआत कर। प्रिया, ये चश्मा पहनकर फिल्मी वैम बनकर कहाँ जा रही है? हम भी कपड़े बदल लेते, तब तक प्रिया भी बाहर आ जाएगी। मिश्री तो नहीं ना यहाँ? स्मगलिंग की है क्या तूने? तू इतना घबरा रही है? मिश्री तू चुप कर। ठीक है, हम चुप हो जाते हैं। पर तू बोल, तुझे इतनी जल्दी थी क्या कि तू हमारी तरफ देख के भी नहीं रुकी? तू बड़ी कटरीना कैफ है ना, जो तुझे देख के रुकू। कटरीना कैफ? तो तू सिर्फ कटरीना कैफ के लिए रुकेगी? मतलब रेड लाइट, दीवार, सब कुछ तोड़ तोड़ के भागेगी? तू और तेरी बच्चों वाली बातें। हमारी तो सिर्फ बातें बच्चों वाली है। तुझे देखकर तो ऐसे लग रहा है कि तूने किसी 4 साल के बच्चे के कपड़े पहन रखे। मच्छर काटेंगे ना तब अकल आएगी। हाय प्रिया। कमिंग। प्रिया कहाँ को कमिंग? ये लोग कौन है? क्यों, तुझे बाबा से शिकायत करनी है मेरी? प्रिया हमें तेरी चिंता होती है। तू तेरा लेक्चर ना बंद कर, और जो ये तेरी लंबी सी टांग है ना वो मत अड़ा, समझी? बाय। हाय। काश तू हमारी बातों को जल्दी सुनने समझने लग जाए प्रिया, वरना देर हो जाएगी। अरे देर तो हमें हो रही है। प्रिया अभी तक नहीं आई, कहीं हमने उसे उन लड़कों के साथ छोड़कर गलती तो नहीं कर दी? इतनी देर कहाँ लगा दी तूने? मिश्री तू मुझे अपना इरिटेट करने लगी है। तू क्या मेरी चाची है, वार्डन है, जो तू मुझसे इतने सवाल करती है कि मैं कहाँ थी, कब आई, कब गई? तू मुझसे इतने क्वेश्चंस क्यों करती है? तुझे कोई हक नहीं है मुझसे इतने सवाल करने का। प्रिया हम तुझे परेशान करने के लिए फोन नहीं कर रहे थे, हम तुझे फोन इसलिए लगा रहे थे क्योंकि हमें तेरी फिक्र है। और घर से बाहर जाते तेरे कपड़े बदलना, तेरा कैरेक्टर बदलना, ये सब अच्छा नहीं है यार। तुझे गवार बन के जीना है तो तू जी, लेकिन मुझे टाइम के साथ आगे चलना है, बड़े लोगों में उठना बैठना है मेरा, और वो तेरी तरह बहनजी बन के तो कभी नहीं होगा। प्रिया सुन, किसी को इम्प्रेस करने के लिए तुझे अपनी पहचान बदलने की जरूरत नहीं है। तू भी अनाथ है और मैं भी अनाथ हूँ, मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। प्रिया हम कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहे, हम बस तुझे वो बनने से रोक रहे जो तू नहीं है। तू उन जैसी नहीं हो, ना कभी बन सकती है। देखा तूने खुद को? तेरा स्टाइल, तेरा लुक, तेरे कपड़े पहनने का तरीका सब फुटपाथ जैसा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? तू मुझे ज्ञान पता क्यों दे रही है कि तू मुझसे जलती है? हाँ हाँ, क्योंकि बंद पिंजरे में रहने वाली चिड़िया आसमान में उड़ने वाले पंछियों से जलती है। अरे तू तो वो चिड़िया भी नहीं है, तू तो जमीन पर रेंगने वाला वो कीड़ा है जो कीचड़ में ही रह जाएगा।
गंवार है, गंवार ही मरेगी। तू खुद को बाजार में भी जाकर बेचेगी ना, वो तुझे 2 रुपए ना दे। बिल्कुल चुप। मिश्री इस आश्रम का और हमारा गुरूर है। तू इतने बरसों तक मिश्री के साथ रहकर मिश्री भी नहीं बन पाई? क्योंकि मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। लाइफ इतनी स्टूपिड इमोशनल बातों से नहीं, पैसों से चलती है। और ये 12वीं पास मिश्री मुझे क्या सिखाएगी? मेरे पास इससे कई गुना तेज दिमाग है। तो तेरे तेज दिमाग का कभी इस्तेमाल भी तो कर लिया करना। करूंगी, अब वही करूंगी। मेरे कॉलेज के स्कूल के सारे सर्टिफिकेट्स जो बाबा के पास पड़े वो दिलवा दो, मेरा पासपोर्ट, सब कुछ। इसके बाद यहाँ से चली जाऊंगी, फिर बताऊंगी कि दिमाग से पैसा कैसे कमाया जाता है। प्रिया, बाबा ने तुझे जिंदगी दी है, तुझे पाल पोस कर बड़ा किया उन्होंने, तुझे पढ़ाया लिखाया, और तू उन्हें ही छोड़कर जाना चाहती है? जो भी मेरी पढ़ाई पर खर्चा हुआ है ना, वो सारा विथ इंटरेस्ट लौटा दूंगी। बाबा के प्यार की कीमत लगाना चाहती है प्रिया? ठीक है, लगा। तू जब बीमार होती थी ना, तब बाबा रात रात भर जाकर तेरे सिरहाने बैठे थे। उन रातों का दाम बता दूं। तेरे लिए मन्नत मांगी। बाबा कड़ी धूप में पैदल जाते थे हनुमान मंदिर तक। उस वक्त जो पांव में छाले पड़ते थे ना, उसका दाम लगा प्रिया। बाबा के आंसुओं का, उनके दुआओं का, उनके प्यार का क्या दाम है? Just shut up! तेरी इमोशनल बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जगह से नफरत है, और एक दिन मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। हाँ तो जाना, जब ढंग की नौकरी मिल जाएगी ना, तब चली जाना। पर जब तक तू यहाँ रहेगी, तब तक तू बाबा की और बाबा के संस्कारों की इज्जत करेगी। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, सिर्फ तेरी वजह से हो रहा है। आज बाबा ने मुझे थप्पड़ मारा तेरी वजह से, बाबा मुझसे नफरत करते तेरी वजह से। पर थैंक यू कि आज तेरी वजह से मुझे समझ आ गया कि मैं अनाथ थी, मैं अनाथ हूँ, और मैं अनाथ ही रहूंगी। प्रिया,